नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की वजह से आपको नेफ्रोपैथी मतलब कि किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, मतलब बॉर्डर लेवल पर है, बिल्कुल किडनी जो है डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, क्रिएटिनिन वगैरह यूरिया वगैरह आपका बढ़ गया है, तो कौन सी मेडिसिन आपको यूज़ करें जो कि जो है डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, मैं वाईके गुप्ता आपकी यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन 4U रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अगर आपको लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, मधुमेह की शिकायत है और आपकी डायबिटीज़ लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, 200, 250, 300, 400 तक भी चला जाता है बहुत से लोगों का, और उसके कारण जो आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं उसकी वजह से अगर आपको डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी हो मतलब कि किडनी की समस्या हो, किडनी आपकी वर्क करना थोड़ा कम कर दिया हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम को जो है आपको 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार यूज़ करना है। हाई क्रिएटिनिन लेवल जो है उसके लिए लाइकोपोडियम जो एक सिंगल मेडिसिन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए। साथ साथ में आप एल सीरम 7X में यूज़ कर सकते हैं, उसकी 10-10 बूंदें आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी वालों के लिए लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, और साथ साथ एल सीरम 7X की 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है उसको दबाइए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।